सलमान खान इन दिनों कई वजहों से खबरों में बने हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उन्होंने बिग बॉस OTT3 होस्ट करने से इनकार कर दिया है। वो जल्द ही अपनी नई फिल्म सिकंदर का शूट करने वाले हैं। हालिया मीडिया इंटरेक्शन में सलमान ने अपने एक्टिंग करियर के बारे में बात की, उस एग्जैक्ट लम्हे के बारे में बात की जब उन्हें लगा कि मैंने प्यार किया का रोल उन्हीं के लिए बना है, वरना वो उस रोल में अनिल कपूर या जैकी श्रॉफ को देखते थे। उन्होंने कहा कि किसी एक्टर से उसकी सबसे पसंदीदा फिल्मों का नाम पूछना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी माता पिता से ये पूछा जाना कि उनके फेवरेट बच्चा कौन सा है। हालांकि सलमान ने कहा कि उनके दिल में मैंने प्यार किया के लिए सबसे खास जगह है, संभवत क्योंकि वो उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के बारे में बताते हुए सलमान ने कहा कि वो कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे, वो डायरेक्शन करना चाहते थे, मगर जब भी वो किसी प्रोड्यूसर के पास जाते थे तो वो लोग कहते थे कि डायरेक्टर बनने के लिहाज से उनकी उम्र बहुत कम है। ऐसे में उन्होंने एक्टिंग करने का फैसला किया ताकि वो उन प्रोड्यूसर्स तक पहुँच सके। हेलो इंडो अरेबिया नाम के पोर्टल के साथ बातचीत में सलमान ने बताया कि मैंने प्यार किया की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके भीतर कुछ बदल दिया। सलमान कहते हैं, मैं कुछ 18 साल का हूँगा जब हम कबूतर जा जा गाना शूट कर रहे थे, तब एक लम्हा ऐसा आया जो मेरे लिए बहुत यादगार है। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ये रोल मेरे लिए ही बना है। उससे पहले मैंने जितनी बार फिल्म की कहानी सुनी मैं उस रोल में जैकी श्रॉफ या अनिल कपूर को इमेजिन करता था। मैं खुद को एक बड़ी फिल्म करते हुए देख ही नहीं पाता था। उस गाने की शूटिंग के दौरान मुझे पहली बार लगा कि ये मैं कर सकता हूँ। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हालांकि सलमान ने इसके पीछे की वजह नहीं बताई, मगर वो इस गाने की शूटिंग के उस हिस्से को अपना जीवन बदलने वाला मोमेंट मानते हैं जिसने उनके अंदर कॉन्फिडेंस डाला कि वो एक्टिंग कर सकते हैं, एक्टिंग के प्रति उनके पैशन को मजबूत किया। हालांकि सलमान कई मौक़ों पर ये स्वीकार चुके हैं कि वो खुद को अच्छा एक्टर नहीं मानते। वो ये कहते पाए जाते हैं कि वो फिल्मों में एक्टिंग नहीं करते, बस सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। सलमान खान पिछली बार Tiger 3 में नजर आए थे जो कि टिकट खिड़की पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई। स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म ने देशभर से 286 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड 465 करोड़ रुपए की कमाई की। आने वाले दिनों में सलमान AR मुरुगदास की फिल्म सिकंदर में काम करने जा रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। शुरुआत 10 दिन लंबे स्केड्यूल से होगी, फिर अगस्त में फुल फ्लेज तरीके से ये पिक्चर शूट होगी। सिकंदर को ईद 2025 पर रिलीज करने की तैयारी है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी श्वेतांक ने। मैं हूँ अनिशा और सिनेमा से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।